इंडियन ऑइल कोर्पोरेशन 24,000 करोड़ खर्चे 6 प्रोजेक्ट वडोदरा में स्थापशे। सीएम विजय रूपाणी ने केन्द्रीय पेट्रोलियम प्रधान उपस्थिति में गांधीनगर में एमओयू करवामां आव्या। आ प्रोजेक्ट कार्यरत थता 25,000 થી વધારે લોકોને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે રોજગારી મળશે। ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં પેટ્રોકેમિકલ ક્ષેત્રે વધુ રોકાણ કરશે। અને આ પ્રસંગે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કહ્યું કે પેટ્રોલ ડીઝલને જીએસટીમાં લાવવા અંગેનો પણ નિર્ણય જીએસટી કાઉન્સિલ કરશે। દેખો યે મેં સચ કહું તો યે જબ તક જીએસટી કાઉન્સિલ મે ઇસકી ઉપર एक कॉन्सेंसस नहीं होता। अच्छा, मैं सेक्टर इंचार्ज के नाते कह सकता हूं होना चाहिए, लेकिन इसकी सामूहिक निर्णय जीएसटी काउंसिल करेगी। लेकिन एक बात मैं आपको, देखो एक टाइम आया है देश को, इस विषय पे हमको एक विषय को सामना करना पड़ेगा। विश्व भर की डेवलप्ड इकोनॉमी में और हमारी टैक्स पैटर्न में बहुत मूलभूत अंतर नहीं है। हाँ, ये बात सही है, एक्साइज हो पेट्रोलियम हो, ये सरकारों की रेवेन्यू अर्निंग का विंडोज है। भारत जैसे डेमोक्रेसी में वेलफेयर एक्टिविटीज और जो एसेंशियल एक्सपेंडिचर के लिए रिसोर्स की आवश्यकता रहती है। देखेंगे जीएसटी काउंसिल आगे क्या करता है।